नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट फोर। दोस्तों, तालिबान के आगे पंजशीर की सेना थोड़ी बहुत कमजोर पड़ता दिख रहे थे, तो ऐसे में अहमद मसूद और अमरुल्ला साले तालिबान के सामने सरेंडर करने ही वाले थे कि ठीक एन मौके पर जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो भारतीय वायुसेना ने कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए भारतीय वायुसेना रवाना हो चुकी है और अफगानिस्तान के पास ही यहाँ पर भारतीय वायुसेना की एक बेस है, जहाँ पर भारतीय वायुसेना के SU-30 लड़ाकू विमान यहाँ पर तैनात हो गए हैं। दोस्तों, पंजशीर घाटी में जो 3 सेनाएं हैं वो लगातार तालिबानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और हर दिन कहीं ना कहीं तालिबानियों से कब्जे छुड़वाने की खबरें आती रही है। दोस्तों, अभी तो इन सेनाओं को बहुत ही ज्यादा मदद की जरूरत है और मदद के लिए भारत जैसा देश भी यहाँ पर आगे आ रहा है। दोस्तों, डिप्लोमेसी के जरिए भी हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर जर्मनी की चांसलर से चर्चा की है। इसके अलावा जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी कि भारत की यहां पर मिलिट्री रूप में उतरने का, वो भी यहां पर होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की बगल में ताजिकिस्तान में हमारा मिलिट्री बेस है और यहाँ से हम अफगानिस्तान में आराम से घुसकर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, तो भारत ने यही किया है। भारत ने अपने सबसे खूंखार SU-30 MKI लड़ाकू विमानों को ताजिकिस्तान में उतार दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के कई सारे रिपोर्ट है और खबरें निकल कर आई है अफगानिस्तान सीमा के बहुत ही नजदीक ताजिकिस्तान वाली अपने बेस में भारतीय SU-30 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए है और अब माना जा रहा है कि इससे पंजशीर के सेनाएं और ताकतवर हो चुका है और अहमद मसूद से हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना तालिबानी आतंकियों के ठिकानों पर तबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करके सब कुछ तहस नहस करने के लिए तैयार है। दोस्तों, तालिबान शासन स्थापित होते ही भारत सरकार लगातार अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और ऐसे वक्त में भारत का वो सीक्रेट हवाई अड्डा भारतीयों के लिए वरदान की तरह सामने आया है जो सालों से मौजूद है, लेकिन वो इंडियन एयरफोर्स के लिए गुप्त ठिकाना है। विदेशी जमीन पर स्थापित भारत का ये सीक्रेट हवाई अड्डा आज सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के नागरिकों की भी जान बचा रहा है। कहाँ है भारत का ये सीक्रेट हवाई अड्डा और कैसे ये भारतीयों के लिए वरदान बन गया है, आइए जानते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ थी और इंडियन एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट को वहां लैंडिंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी और कुछ देर तक जगह मिलने का इंतजार करने के बाद अचानक इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट C-17 काबुल एयरपोर्ट से अपनी दिशा बदल लेता है और ताजिकिस्तान की तरफ रुख कर लेता है। इंडियन एयरफोर्स के विमान ने अपने सीक्रेट हवाई अड्डे की तरफ उड़ान भर दी थी जो अब तक दुनिया की नजरों में नहीं आया था। इंडियन एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट गिस्सर मिलिट्री यार्ड ग्राउंड पर उतरता है जो विदेश में स्थित भारत का इकलौता सैन्य बेस है। गिस्सर मिलिट्री एयर ड्रम यानी DMA विदेशी जमीन पर मौजूद भारत का पहला सैन्य अड्डा है और अफगानिस्तान की सीमा के बेहद पास मौजूद होने की वजह से भारत को काफी ज्यादा रणनीतिक वरदान देता है। यहां से भारत काफी आसानी से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है और इस वक्त जब भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने में परेशानी हो रही थी, भारत का ये सीक्रेट हवाई अड्डा किसी वरदान की तरह सामने आया है। रक्षा सूत्रों के हवाले से प्रिंट ने लिखा है कि GMA जिसे एनी एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है, यह नाम एनी गांव के नाम पर रखा गया है जो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे के ठीक पश्चिम में है। यह करीब 20 सालों से ताजिकिस्तान के साथ भारत द्वारा प्रसारित है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2001-2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय विदेश मंत्रालय ने देश से बाहर इस सैन्य बेस का प्रस्ताव रखा था और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने इसका समर्थन किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। भारतीय वायुसेना के तत्कालीन एयर कमांडर थे नसीम अख्तर, जिन्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। भारत सरकार ने इस काम के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की मदद ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इस एयरपोर्ट का निर्माण और विस्तार किया। भारतीय टीम ने यहां हैंगर, ओवरहॉलिंग और रिस्क्यूलिंग
क्षमता विकसित किए और 2005 में एयर चीफ मार्शल धनोआ को इस बेस का फर्स्ट कमांडर नियुक्त किया गया था और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार भारत की इस सीक्रेट एयर बेस पर फाइटर प्लेन की तैनाती की है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी जमीन पर स्थिति इस एयरबेस की स्थापना में भारत के वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल वीएस धनोआ का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे पहले भारत का यह सीक्रेट एयरबेस बहुत हद तक गुप्त था और इसकी जानकारी कम ही लोगों को थी कि भारतीय फाइटर एयरक्राफ्ट भी यहां तैनात है। लेकिन अभी इस एयरबेस के बिना अफगानिस्तान से भारतीयों को निकलना संभव नहीं था। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130 जे परिवहन विमानों ने ताजिकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए एक C-130 जे विमान ने काबुल से 87 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया और ताजिकिस्तान में उतरा। निकाले गए लोगों को फिर वहां से एयर इंडिया की एक उड़ान द्वारा अपनी एयरबेस से भारत वापस लाया गया। 2002 में शुरू हुआ था GMA प्रोजेक्ट। GMA यानी गिस्सर मिलिट्री एयरडम और फरखोर एयरबेस को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो दक्षिणी ताजिकिस्तान में स्थित है, जो अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के करीब है और फरखोर वो शहर है जहां भारत ने 1990 के दशक में अस्पताल सेवा चलाया था। फरखोर में स्थित भारतीय अस्पताल के बारे में हम आपको एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। तालिबान के खिलाफ अभी नॉर्दर्न अलायंस ने मोर्चा खोल रखा है, जिसका नेतृत्व अहमद शाह मसूद के बेटे कर रहे हैं। अहमद शाह मसूद वो शख्स है जिन्होंने तालिबान को हमेशा से पंजशीर में शिकस्त दी है और उन्होंने तालिबान के खिलाफ पंजशीर को एक किला बनाकर रखा हुआ है। भारतीय अस्पताल में इलाज। 2001 में अहमद शाह मसूद के ऊपर तालिबान ने आत्महत्या हमला किया था, जिसमें वे पूरी तरह से घायल हो गए थे और उस वक्त अहमद शाह मसूद को फरखोर में स्थित भारतीय अस्पताल में ही इलाज किया गया था। हालांकि उनकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर थी और कई दिनों तक इलाज चलने के बाद उनकी मौत हो गई थी। लिहाजा पंजशीर में जो तालिबान विरोधी गुट है, उस गुट का भारत के साथ काफी गहरा रिश्ता है और उसमें एक नेता और है अमरुल्ला साले, जो कुछ दिन पहले तक अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति थे और अभी अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति है, जो भारत के काफी करीबी और पाकिस्तान के कट्टर विरोधी है। एयरबेस से डरा रहता है पाकिस्तान। द प्रिंट के रिपोर्ट के अनुसार GMA भारतीय सेना को काफी रणनीतिक ऊंचाई देता है। ताजिकिस्तान चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यह अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर को जोड़ता है, जो एक संकीर्ण पट्टी है और यह POK और चीन के साथ भी सीमा साझा करती है। इतना ही नहीं, भारत का यह सीक्रेट एयरबेस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सिर्फ 20 किमी दूर है। लिहाजा भारत के इस एयरबेस से पाकिस्तान हमेशा डरा रहता है। सूत्रों ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के लड़ाके ताजिकिस्तान से पेशवर को निशाना बना सकते हैं, जो पाकिस्तान को हमेशा खौफ में रखता है। युद्ध के समय इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अपनी फोर्स को अपनी पूर्वी सीमाओं से पश्चिमी की ओर ले जाना होगा, जो भारत के साथ उसके सीधे मोर्चे को कमजोर करता है। ताजिकिस्तान में पैर जमाने का एक और बड़ा फायदा ये है कि यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान में भारत के लिए अलग अलग रास्ते खोल देता है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।